अगर आप इजी, टेस्टी और हेल्दी बर्फी रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। और इस बर्फी की सबसे खास बात यह है कि आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं, अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने किसी भी टाइप का आटे का इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए इसे देख लेते हैं हम कैसे बनाएंगे और इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें 2.5 कप मैंने यहाँ पे मखाना लिया है, इसे डाल दिया है। और इसमें हम घी नहीं डालेंगे, बिना घी के ही हम इसे रोस्ट करेंगे। देखिए इसे मीडियम फ्लेम पर आप लगातार चलाते हुए इसे भून लीजिए। 2 से 3 मिनट लगातार मैंने यहाँ पे भून लिया है। अब हमारा मखाना भी जो है देखिए भून चुका है। एक मखाना मैं यहाँ से इसे उठाकर इसे उंगलियों से दबा कर देखती हूँ। देखिए ये अच्छे से कुरकुरा हो चुका है, अच्छे से फूट रहा है, तो मतलब हमारा मखाना तैयार हो चुका है। तो इसे आप एक बर्तन में ट्रांसफर कर लीजिए, ठंडा होने के लिए रख दीजिए। अब उसी बर्तन में 1/2 कप मैंने यहाँ पे काजू लिया है, इसे भी लगातार चलाते चलाते हम भून लेंगे। और इसमें तो इसे भी निकाल लेते हैं, ठंडा कर लेंगे अब इसको। अब उसी कढ़ाई में हम 1/2 कप मैंने यहाँ पे कोकोनट पाउडर लिया है, इसे भी हम हल्की आँच पर भून लेंगे। कोकोनट बहुत जल्दी भुन जाता है, इसलिए इसे लो फ्लेम पर ही भुने। तो देखिए ये भी फटाफट भुन गया है। अब इसको भी हम थाली में निकाल लेते हैं और इन सबको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। इसके बाद हम मखाने को जो है ग्राइंडर जार में डालेंगे और उसका फाइन एकदम पाउडर बना लेंगे। अब उसी ग्राइंडर जार में मैंने काजू को भी डाल दिया है, उसका भी एकदम फाइन पाउडर बना लिया है। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें तीनों जो है मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब उसी कढ़ाई में हम 2 कप जो है दूध डालेंगे और उसे गर्म करेंगे। इसे लगातार चलाते हुए गरम कर लीजिए। थोड़ा सा दूध जब गरम हो जाए तो 1 कप में हम इसे थोड़ा सा दूध निकाल लेंगे और उसमें चुटकी भर यहाँ पे मैंने केसर डाला है। केसर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिलाकर साइड में रख लीजिए, इससे थोड़ा फ्लेवर अच्छा आता है। इसके लिए हम डालते हैं, दूध अच्छे से उबाल आ चुका है दूध में, तो अब जो हमने मिक्सर तैयार करके रखा था उसे डाल देंगे और इसे लगातार अब हम चलाते हुए इसको हमें भुनना है। थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे मिक्सचर जो हमारा थिक हो जाएगा। लगातार चलाते हुए इसे हम भुनते रहेंगे। फ्लेम हमारा लो ही रहेगा, ज़्यादा तेज फ्लेम को ना रखें। अब इसमें मैं केसर दूध डाल दूंगी, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब यहाँ पे 1/2 कप जो है चीनी हम डालेंगे, इसे भी अब हम मिक्स करेंगे। देखिए चीनी डालते ही थोड़ा सा ये और लिक्विडी हो गया है। अब यहीं पे हम इलायची पाउडर 1/2 चम्मच डाल देंगे और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे घी डाला है। बस हमने देखिए इसमें पूरे मिठाई में सिर्फ 1 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। इसको भी इसलिए डालते ताकि ये बर्तन में चिपके ना, आराम से छोड़ दे। इस बर्फी मिठाई को बनाने में 15 से 20 मिनट आपको लग जाएंगे। इसे लगातार चलाते चलाते पकाइए। तो आप देखेंगे धीरे धीरे मैंने इसे पका लिया है और ये अब पैन छोड़ने लगा है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पर मैंने प्लेट में पहले से बटर पेपर रखा था, अब उसमें मैं मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर दूंगी। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप 1 चम्मच घी अच्छे से उस प्लेट में अप्लाई कर लीजिए और उसमें मिक्सचर डाल दीजिए। अब इसे देखिए हम इसे मिठाई के आकार का शेप दे देंगे। इस पर हम काजू, बादाम या किसी भी नट से आप इसे गार्निश कर लीजिए और इसको थोड़ा सा प्रेस करके चिपका दीजिए। तो अब देखिए हमारा मिठाई अच्छे से हो गया सेट होने के लिए। इसे हम रख देते हैं। तो इसे मैंने फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दिया था। तो देखिए अब हमारा मिठाई सेट हो चुका है। अब इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो इसे हम कट कर लेंगे, ये फट से कट भी जाता है। देखिए आसानी से निकल गया। ये मिठाई बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यम्मी बनी थी। और अगर आपको मेरी मिठाई की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, कमेंट में मुझे बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।